सोशल मीडिया से कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से रूबरू कराएंगे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वह रातों रात स्टार बन गया और उसकी किस्मत भी चमक उठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंपर्क न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का मेरा प्यार, भूल नहीं जाना रे से सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बने सुकमा के सहदेव के बाद अब कलकत्ता के एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक चाय की दुकान का मालिक किशोर कुमार के गाने गाकर ग्राहकों को चाय परोसता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो कलकत्ता की एक चाय की दुकान के मालिक पलटन नाग का बताया जा रहा है। पलटन नाग का एक वीडियो वायरल हुआ, वह भी किशोर दा के गाने जैसे ही पूरे देश में मशहूर हो गए। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और इंडियन काफ़ी हाउस से तकरीबन 300 मीटर दूर पलटन दा अपनी चाय की दुकान चलाते हैं और वह किशोर दा का गाना गुनगुनाते हुए अपने कस्टमर्स को चाय परोसते हुए हर रोज़ ऐसे ही नज़र आते हैं। पलटन दा किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्हें तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स की ओर से ऑफर भी मिलने शुरू हो गए हैं। पलटन दा कहते हैं कि सिंगिंग उनका पहला और इकलौता शौक रहा है और वह हमेशा किशोर कुमार की तरह सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन कम उम्र में पिता की मौत के बाद उन्हें मजबूरन टी स्टाल को संभालना पड़ा। 7 लोगों के परिवार में अकेला कमाऊ शख्स होने की वजह से उन्हें बिजनेस पर फोकस करना पड़ा, लेकिन संगीत से वह कभी भी दूर नहीं हो पाए। पलटन दा आगे बताते हैं कि असल में उन्होंने अब अपने ग्राहकों को ही अपनी ऑडियंस मान लिया है और अब उनका मनोरंजन करने में ही उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। पलटन दा की चाय की दुकान संगीत प्रेमियों का सेंट्रल पॉइंट बन चुकी है और दुनिया के लिए किशोर कुमार की एक जीवित स्मृति भी। किशोर दा पलटन दा की तरह हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में आज भी मौजूद हैं, फिर क्या कलकत्ता और क्या बनारस। किशोर दा के लिए हिंदुस्तान सिर्फ इतना ही कह सकता है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते किशोर दा तुम्हारे बिना। चंदा हो चंदा चंदा हो चंदा।